हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो गाइस आप दोबारा से खेलने जा रहे हैं सीएस रैंक में। चलो आज वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। और हाँ गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस एक लाइक कर लेना। चैनल पर न्यू हो तो गाइस प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो के बीच में गाइस आपको ना मैं ऐसे तीन पैसिव स्किल बताने जा रहा हूँ, और एक्टिव स्किल जो एक एक्टिव स्किल एंड तीन पैसिव स्किल है गाइस। जो प्लीज़ गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कभी आप मेरे को कमेंट में बताओ भाई आपने टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ बताई है, मैं आपको जरूर बताऊँगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चले गाइस बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर खरीदे डबल M500, जैसे कि अभी आपने देखा होगा मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था। और गाइस यहाँ पर अभी तक फिलहाल के लिए मेरे को बंदे तो दिख नहीं रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर हमारा हो चुका था 4 vs 3। तो गाइस यहाँ पर घर के ऊपर एक बंदा है, तो गाइस यहाँ पर इसको पीछे से मारते चले गए, इसमें सोनिया लग चुका है। तो गाइस यहाँ पर अपने बंदा नोक हो जाएगा, चलो नोक हो गया। तो एक ही बंदा बचा है, किधर की साइड है भाई, अभी गया कहाँ? चलो उसको नोक करते हैं, पहले अपने फ्रेंड को यहाँ पर करते हैं रिवाइव, एंजॉय राइज को हम यहाँ पर करते हैं रिवाइव। और हाँ गाइस, जिस भी बंदे को मेरे गिल्ड में आना है आप मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उस बंदे को उस पहले बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, फिर उसका हम गिल्ड टेस्ट लेंगे। बट लेकिन गिल्ड टेस्ट के गाइस कोई रूल्स है, जैसे कि आपका 60+ लेवल है एंड आपकी सीएसआर प्लेयर हो, आपकी मास्टर रैंक है। तो गाइस ये रूल है गाइस, अगर आपकी 60 लेवल प्लस एंड मास्टर रैंक है सीएसआर में, तो गाइस आप गिल्ड में गिल्ड टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाना। आप गिल्ड टेस्ट दे सकते हो, मैंने क्योंकि न्यू गिल्ड बनाई है आप लोगों के लिए बनाया है कि आप मेरे गिल्ड में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। तो गाइस मैंने बता ही दिया था 60 लेवल प्लस एंड मास्टर रैंक। तो गाइस अगर आपका 60 लेवल और मास्टर नहीं है तो गाइस 60 लेवल और मास्टर रैंक जरूर कर लेना, और आप गिल्ड टेस्ट जरूर देख सकते हो। 1 vs 2 में आपको 5 राउंड हराना है मेरे गिल्ड मेंबर्स को, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया गिल्ड में आने के लिए ये करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर अबकी बार मैंने खरीदी थी यहाँ पर AK-47, और गाइस यहाँ पर मेरे पे कटाना भी थी गाइस। यहाँ पर मैं क्या लग रहा है मैं बंदे को मार पाऊँ या नहीं, क्योंकि गाइस मैं खेल रहा था यहाँ पर फ़ोन में, क्योंकि गाइस मेरी हो चुकी थी यहाँ पर पीसी में प्रैक्टिस। देखो गाइस एक ही जगह पर कूदने लग रहा हूँ भाई, ये देखो भाई मेरी गलत हरकत भाई, फ़ोन में ऐसे ही होता है भाई, मैं खेल ही नहीं पाता हूँ। और देखो भाई बंदा ना, भाई बंदा क्लियर करने भी आ गया मेरे को, देखा होगा भाई आपने, बंदे ने यहाँ पर मेरे को क्लियर भी कर दिया। और देखता है उसने बाल पाया नहीं, अरे लोंडे ओपी भाई, चलो एक बंदा निकाला लोंडे ने, अरे एकदम ओपी भाई डबल किल निकाल लिया। तो कालू एडम भाई मुंह दिखा रहा है अपना, तो गाइस देखेंगे ये बंदा निकाल पाएगा नहीं। तो इस पर पहले यहाँ पर एक इमोजी भेज देते हैं, तो गाइस यहाँ पर मैंने इस पर इमोजी भेज दिए तो दे और खुश हो गया होगा। तो गाइस इसको अब यहाँ पर देखते हैं बंदे को, उस वाले बंदे को मार पाएगा नहीं। अरे 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 ये क्या भाई, ये क्या मूवमेंट, अरे लोंडे ले भाई लोंडे, अरे लो लोल हो गया भाई लोंडे का। तो भाई मैं सोचा ये बंदा मूवमेंट करके मारेगा उस बंदे को, बट एलिमिनेट ही हो गया वो बंदा। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अब बता देते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जो गाइस हमारी फर्स्ट पैसिव स्किल है गाइस वे हमारी ऑटो करेक्टर। ऑटो करेक्टर क्या करता है गाइस, ऑटो करेक्टर आपको पता ही होगा, ऑटो करेक्टर गाइस यह करता है जैसे भी आप ये एक भी बंदे को डाउन करोगे, एक बंदे को डाउन करते के साथ उनके पैरों में आ जाएगा, चार स्क्वाड के बंदे में उनके पैर में आ जाएगा एक भवंडर, जो कि उनकी कर देगी मूवमेंट स्पीड स्लो। भी भवंडर जो गाइस आपकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी स्लो कर देगा उन जो ओपोनेंट में बंदे आए होंगे, ठीक है। और आप उन बंदों को जाके मार भी सकते हो, ये गेम प्ले भी नहीं बन पाएगा। ये होता है ऑटो करेक्टर का फायदा। जो गाइस हमारी सेकंड पैसिव स्किल है गाइस वे हमारी सोनी करेक्टर। सोनी करेक्टर क्या करता है गाइस, सोनी करेक्टर क्या करता है गाइस, आपको हर एक HP पे जैसे ही आप डाउन होने को जाओगे आपको सोनी करेक्टर 1 HP बचा लेगी। और गाइस अगर आपको 3 सेकंड का मौका मिलेगा, आपको 3 सेकंड के अंदर उस बंदे को नॉक कर दोगे। अगर नॉक नहीं कर पाओ तो गाइस आप खुद नॉक हो जाओगे। अगर नॉक कर दिया सामने वाले बंदे को तो गाइस आपको ऑटोमेटिकली 150 HP मिल जाएगी, और आप बंदे को मार सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये होता है सोनी करेक्टर का फायदा। और जो गाइस हमारी थर्ड पैसिव करेक्टर गाइस हमारी मोको क्या करते गाइस, मोको यह करते गाइस जैसे भी आप एक भी बंदे को डैमेज दोगे तो गाइस आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। और जैसे ही गाइस आपको लोकेशन पता चलेगी आप उसको नॉक कर सकते हो, और आप उसकी लोकेशन देख सकते हो बंदा भाग किधर रहा है। तो गाइस आप उसको मार भी सकते हो ऐसे करके गाइस, किधर की साइड बंदा भाग रहा है, किधर जा रहा है, उसकी लोकेशन भी देख सकते हो आपके टीममेट्स, फिर उसको डाउन करके क्लियर भी कर सकते हैं। और जो गाइस हमारी फोर्थ एक्टिव करेक्टर गाइस हमारी इरिज करेक्टर क्या करते गाइस, इरिज करेक्टर आपकी एक एक्टिव स्किल है, फीमेल करेक्टर गाइस, मेल करेक्टर नहीं है, फीमेल करेक्टर। अगर आप तक अभी नहीं खोला हो तो गाइस आप करेक्टर सेक्शन में जाके 10,000 गोल्ड से ले सकते हो। तो गाइस इरिज करेक्टर यह करते
लगती है गाइस। जैसे कि आपके सामने कोई बंदा है, उसको आपने 150 का ओम पड़ा होगा, तो कैसे ग्लूवेल जरूर डालेगा। और आप एरिस कटर यूज़ करके उस पर ग्लूवेल पे मारोगे ना, तो उस पर एक पिंक पिंक आ जाएगा, आप उसको डाउन कर सकते हो। ग्लूवेल के आर पार गोली मार सकते हो एरिस कटर से, तो कैसे होता है इन कैरेक्टर का फायदा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय।